नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पार्थ, मैं सर्टिफाइड करियर काउंसलर और ट्रेनर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल माई शेप में। सो सबसे पहले आप सभी को आई विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2022। जो मेरी पिछली वीडियो थी वो मैंने डाली थी 2022 दिसंबर 2021 को, यानी कि पिछले साल मैंने डाली थी 2021 के आसपास। और आज नया साल आ गया और उसके 3 वीक बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो डिले की वजह से आप सभी को मैं यहाँ पे सॉरी कहना चाहता हूँ। ओके दोस्तों, पर हाँ, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको जो ब्रेंजिम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस है और ब्रेंजिम एक्सरसाइज लेवल 3 है उसकी मैंने पिछली वीडियो डाली थी, गिव अ लिफ्ट वाली। तो ये वीडियो आप शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए, यानी आपको एक रिवीजन हो जाएगा कौन सी वीडियो की मैं आज प्रैक्टिस वीडियो करवाने वाला हूँ, कौन सी एक्सरसाइज की आज मैं प्रैक्टिस वीडियो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेप वन, हमारा स्टेप वन हम सभी को पता है, हमें इस वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, इस वीडियो के साथ इस वीडियो की प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेंजिम एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन को किसी ढंग की जगह पर रखना है, उसके सामने खड़े होकर पोजीशन बना के इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस को आपको स्टार्ट करना है इस वीडियो के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप टू की ओर। स्टेप टू में हमें क्या करना है, हमें पहले तो पोजीशन बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारी जो गिवर लिफ्ट है, गिवर लिफ्ट यानी कुछ इस तरीके से इसका सिग्नल होता है। अगर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा तो जो फॉरेन कंट्रीज होती है वहाँ पे किसी भी बंदा अगर रास्ते पर लिफ्ट मांगता है तो उसको वो कुछ इस तरीके से लिफ्ट मांगते हैं। ये उसकी एक निशानी या फिर इसकी एक सिग्नेचर कह सकते हैं, और ये एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से ही है। तो हमें कुछ इस तरीके से हमारी पोजिशन बनानी है। पोजिशन में क्या है, सिंपली हमारा जो लेफ्ट हैंड है उससे हमें इस तरीके से अपने थंब को ओपन करना है और इस तरीके से रखना है, और हमारा जो राइट हैंड है उसकी जो लिटिल फिंगर है उसको कुछ इस तरीके से रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोजिशन कुछ इस तरीके से रहेगी, देख सकते हैं आप। यहाँ पे लेफ्ट हैंड के जो थंब है उसको मैंने ओपन किया, और जो हमारी लिटिल फिंगर राइट हैंड में उसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा है। ठीक है, तो ये हमारी पहली पोजिशन है, और दूसरी पोजीशन इसकी ओपोजिट है, यानी ओपोजिट इस तरीके से करना है। पहले कुछ इस तरीके से था, फिर इस तरीके से करना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हमारा राइट हैंड है उसके थंब को ओपन किया है, और लेफ्ट हैंड में जो लिटिल फिंगर इसको ओपन किया है और कुछ इस तरीके से रखा है। तो हमारी पहली पोजिशन इस तरीके से रहेगी, उसके बाद इस तरीके से। ठीक है, 1 2 गुड। तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप एक पोजिशन बनने की कोशिश कीजिए। स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, हमारी जो पहली पोजिशन है उसको कुछ इस तरीके से राइट टू लेफ्ट ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, हमारे राइट की ओर ये इस तरीके से पोजिशन, इसको लेफ्ट की ओर ले जाता हूँ मैं। 1 2 3 क्या किया मैंने, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे ले गया मैं, अपनी जो मूवमेंट रहेगी कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक है, तो हम इसकी 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, आप भी मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। पहले इस तरीके से पोजीशन बनाए, उसके बाद 1 2 3 फिर से करते हैं, 1 2 3 फिर से करते हैं, 1 2 3 गुड। तो आपने यहाँ पे स्टेप 3 कर लिया, अब हम चलते हैं स्टेप 4 की ओर। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 3 का ऑपोजिट करना है, यानी पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, अब हमें पोजीशन चेंज करके कुछ इस तरीके से करना है और लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, तो हम इसकी 3 बार प्रैक्टिस कर लें कुछ इस तरीके से, 1 2 3 बहुत ही आसान है, फिर से इसको प्रैक्टिस करते हैं, 1 2 3 फिर से करते हैं, 1 2 3 गुड। हमने यहाँ पर स्टेप 4 को कंप्लीट कर दिया, अब हम चलते हैं स्टेप 5 की ओर। स्टेप 5 में हमें स्टेप 3 और स्टेप 4 दोनों को एक के बाद एक रिपीट करना है। तो हमारा स्टेप 3 क्या था, कुछ इस तरीके से था, हमारी पोजीशन कुछ इस तरीके से थी, राइट टू लेफ्ट जाना है, 1 2 3 और उसके बाद स्टेप 4 पोजीशन चेंज करके लेफ्ट टू राइट जाना है, 1 2 3 पहले क्या किया, 1 2 3 उसके बाद 1 2 3 राइट टू लेफ्ट जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है। ठीक है, तो अब हम इसकी 3 बार प्रैक्टिस करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं, आप भी मेरे साथ इस प्रैक्टिस को दोहराए। एक दो तीन, 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 एक दो तीन। नाइस, आपने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो ये हमारी जो ब्रेंजिंग एक्सरसाइज लेवल 3 है उसकी एक एक्सरसाइज है। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो दोस्तों, साथ में आपको एक सरप्राइज वीडियो मिलने वाली है 26 जनवरी 2022 को, तब हमारे देश का रिपब्लिक डे है, क्योंकि हमारे देश के रिपब्लिक डे के बाद 25 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये स्पेशल वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ 26 जनवरी 2022 को। अगर आपको ये स्पेशल वीडियो देखना है, अगर आप ये स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप अभी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, यानी कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच पाए। अगर आपको इस वीडियो में से वैल्यू मिल रही है, तो आप इस वैल्यू को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।